नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है डीएलएड वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020-22 इस वर्ष आयोजित नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है कि इस वर्ष परीक्षा आयोजित नहीं होगी। इस वर्ष जो है मेरिट के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेरिट के आधार पे इस बार एडमिशन होगा, मेरिट लिस्ट के अनुसार जिनका अंक ज़्यादा होगा उन्हीं का एडमिशन होने वाला है। तो क्या है पूरी खबर, मैं आपको दिखा देता हूँ तो समझिएगा, और आगे विस्तृत जानकारियाँ और भी आने वाली है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की जानकारी पाने के लिए। तो ये जो नोटिस देख रहे हैं दोस्तों, ये शिक्षा विभाग की ओर से, बिहार सरकार की ओर से निकाली गई है। तो यहाँ पर पूरी खबर दी गई है। ये देखिए, ये जो नोटिस आई है शिक्षा विभाग की ओर से 14/12/2020 को ही निकाली गई थी, लेकिन इसे प्रकाशित किया गया है 15/12/2020 को, यानी आज के डेट में ही इसे प्रकाशित कर दिया गया है सभी के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए, बिहार राज्य के ईआरसी एनसीटी से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त डीएलएड कोर्स संचालित राजकीय अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2020-22 से डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम में नामांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर करने के संबंध में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आगे पढ़ते हैं कि बिहार राज्य के ईआरसी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स संचालित करने वाले सभी राजकीय अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों महाविद्यालयों एवं में विभागीय अधिसूचना संख्या 12/12 विविध 11/2016 दिनांक 22/4/2020 द्वारा सत्र 2020-22 से डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर निर्णय लेने का निर्णय लिया गया था। लेकिन यहाँ पे आप आगे देखेंगे, दिया गया है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण, परिणाम स्वरूप एवं अन्य कतिपय कारणों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अब तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है। इसमें अत्यधिक विलंब हो चुका है, यानी कि एक साल तो निकल ही चुका है दोस्तों, आपको पता ही है। वर्तमान में और भी विलंब होने की संभावना है। पूर्व के निर्णय के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब को देखते हुए सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक संख्या इतना 11/12/2020 द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स के सत्र 2020-22 में नामांकन राज्य के सभी राजकीय राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेने का निर्णय पर विभागीय स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्व में निर्गत प्रक्रिया यानी मेरिट लिस्ट के अनुसार, ठीक है, मेरिट लिस्ट के अनुसार ही इस बार आपका सिलेक्शन होगा, एग्जामिनेशन नहीं ली जाएगी। और यह व्यवस्था जो दोस्तों है सिर्फ 2020-22 के लिए है, लेकिन आगे जो 21-23 का कोर्स होगा उसके लिए फिर से फॉर्म निकाली जाएगी और उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन फ़िलहाल 2020-22 की बात करते हैं तो एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना बेकार है। अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अब 21-23 में करिएगा, कि अगर आपका कम नंबर है इंटर में, अगर आपका कम नंबर है तो आप 21-23 में उपाय करिएगा अपना, क्योंकि 2020-22 में तो ज़्यादा नंबरों वाला का बालों का जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और उन्हीं लोगों का एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ देखिएगा, इस संदर्भ में इससे पूर्व नामांकन प्रक्रिया से संबंधित निर्गत सभी विकल्प अधिसूचना सत्र 2020-22 के लिए इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। ये नोटिस बिहार सरकार की ओर से निकाल दी गई है। और देखिए, अखबार में भी आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हिंदुस्तान अखबार जो आती है उसी में ये आ चुका है। आपको 16 तारीख के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये 15 तारीख को अभी वेबसाइट पे आ चुकी है, ठीक है। डीएलएड 2020-22 कोर्स के लिए शिक्षा विभाग ने बदला नियम,
पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से होगा ट्रेनिंग कॉलेजों में नामांकन। तो समझ गए होंगे, पूर्व निर्धारित यानी मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। बिहार बीएससीबी बिहार बोर्ड डीएलएड 2020-22, बिहार बोर्ड ने डीएलएड 2020-22 कोर्स के लिए अपना निर्णय बदला है। बोर्ड के अनुसार अब पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत ट्रेनिंग कॉलेजों में डीएलएड कोर्स में नामांकन होंगे। यानी पैसा जो प्राइवेट वालों का तो समझिए कि बाहर हो चुका है, अब तो ये प्राइवेट वाले पैसा लूट ही लेंगे सबसे। तो इसके लिए पहले बिहार बोर्ड ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेने का फैसला किया था, लेकिन अब बोर्ड ने अपना निर्णय बदलते हुए कहा कि सत्र 2020-22 के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2020-22 डीएलएड 2020-22 में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन होंगे, यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इस संबंध में विस्तृत डिटेल आपको कल तक यानी 16 तारीख को आपको पूरा डिटेल में आपको लेकर आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 16 तारीख को मैं आपके लिए विस्तृत जानकारी लेकर आऊंगा, ताकि कैसे आगे की प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है इसकी जानकारी 16 तारीख को आएगी, तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल के अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।